छात्रों पे लाठीचार्ज हुई है, लाठीचार्ज हुई है, होता रहता है वो, उसके इसका थोड़ी मतलब है। पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला, हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ कहाँ नहीं हुआ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कल एक तरफ बिहार में बवाल मचा था, बीएसएससी अभ्यर्थी नीतीश तेजस्वी के राज में लाठियों से पीटे जा रहे थे, पुलिस की पिटाई से खून से लहूलुहान हो रहे थे, कोई अधमरा हो रहा था तो किसी के हाथ पैर टूट रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह इन तस्वीरों पर मुस्कुरा रहे थे, बेतुका बयान दे रहे थे। नौकरी मांगने पर लाठी देने की बात जब उनसे पूछी गई तो ये कह गए कि अरे ये कोई पहली बार थोड़े ना है कि लाठीचार्ज हो रहा है, कोई नई बात थोड़ी है, ये तो हमेशा होता है। और वही इसी बयान के साथ खुद को इन सब से बेखबर भी बता रहे थे कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, और फिर दूसरी तरफ इस तरीके के बयान भी दे रहे थे। छात्रों पे लाठीचार्ज हुई है, लाठीचार्ज हुई है, होता रहता है वो, उसके इसका थोड़ी मतलब है। पहला बार हुआ है क्या लाठीचार्ज? मैंने इस देश में अगर पहला बार हुआ हो, इस प्रदेश में पहला, हमको मालूम नहीं है कि कहाँ लाठीचार्ज हुआ कहाँ नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं हुआ है, कोई अगर जो कानून है उसको तोड़ता है, कहीं भी प्रजातांत्रिक ढंग से कोई भी विरोध प्रकट करने का हक किसी को भी है, लेकिन कानून तोड़ के कोई भी अगर करता है तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर कानून को स्थापित करना पड़ता है। ललन सिंह का ये बयान और उनकी ये मुस्कान इन बेबस और लाचार अभ्यर्थियों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है, लेकिन इसमें ललन सिंह की भी कोई गलती नहीं है। भले ही ललन सिंह ने अपनी सरकार के बचाव में ये बयान दिया हो या फिर कुछ और, लेकिन एक तरह से देखें तो ललन सिंह ने सच ही कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। नीतीश राज में नौकरी मांगने पर लाठियों से इस तरीके से पिटाई, छात्रों का खून निकालना तो भाई बिहार में पुराना इतिहास रहा है। नीतीश राज में अब जैसे ये नारा सा बन गया है कि तुम हमसे नौकरी मांगोगे और हम तुमको लाठियों से धून देंगे, और कुछ यही हाल कल भी हुआ। बीएसएससी अभ्यर्थियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए नीतीश राज में प्रदर्शन की गुस्ताखी की और उनका ये हाल हो गया। नौकरी मिली नहीं, मांगे सुनी नहीं गई, बदले में हाथ पैर सब तोड़ दिए गए। अब भले ही उसमें कोई अधमरा हुआ हो, किसी की जान चली गई हो, किसी की पिटाई से हाथ पैर टूट गए हो, क्या फर्क पड़ता है। ललन सिंह ने तो ये बयान दे दिया कि कोई नई बात नहीं है, लाठीचार्ज तो होता रहता है। तो हो सके तो इन छात्रों को तैयार होना चाहिए कि अब इनके राज में आगे भी ऐसे ही लाठीचार्ज होगा। अब भले ही नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या ललन सिंह को इन छात्रों के, इन अभ्यर्थियों से कोई लेना देना नहीं है, इनके प्रदर्शन से, इनके दुख से, तभी इस तरीके का बेतुका बयान मीडिया के सामने दे रहे हैं, लेकिन हमें मतलब है। और सरकार से सवाल भी है कि आखिर कब तक नीतीश कुमार के राज में नौकरी के नाम पर ऐसी बर्बरता होगी, कब तक परीक्षा के नाम पर पेपर लीक का तमाशा होगा, और कब तक बिहार के इन छात्रों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। इसका जवाब सरकार को देना होगा। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।